Assalamu alaikum dear students, welcome to modern physics course lecture number 19. I am Dr. Parvez Ahmed. In this lectures we will have a discussions on discovery of the x-rays and the electron. So aaiye aaj ki lecture ki taraf jate hain. Lecture ka unwan hai discovery of x-rays and electrons. So jaisa ki aapko pata hai ki x-rays were discovered by कनाड विलियम रॉन्गटन इन 1895. जिस तरह के आप लोगों के इलम में है कि रॉन्गटन ने 1895 में एक्सरे को दरियाफ्त किया. ठीक है. एन एक्सरेज वर ऑब्जर्व टू बी एमिटेड बाय द कैथोड रेज बम्बारमेंट ऑफ द ग्लास. ठीक है. के मतलब फैक्ट सबको पता है कि ये जो एक्सरेज है ये कैसे जनरेट होते थे. ऑब्जर्व एक्सरेज वर फाउंड टू बी एमिटेड बाय कैथोड रेज बम्बारिंग द ग्लास. ठीक है. कि ग्लास को क्या किया जाता है कि ग्लास को जब कैथोड रे से बम्बार्ड किया जाता है तो उससे जो है वो एक्सरेज वो एमिट होते थे. ठीक है. मतलब ये एनालिसिस थे उस वक्त के. मतलब जो हमारे पास कैथोड रेज थे, कैथोड रेज वर वेल नोन एट दैट टाइम. ठीक है. उससे जब एक ग्लास को जब बम्बार करते थे तो उससे एक्सरेज जो है वो इमिट होते थे या अभी भी उससे इमिट्स होते थे. सिमिलरली जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को पहले जे जे थॉमसन ने डिस्कवर किया 1897 में. ठीक है. उसने क्या ऑब्जर्व किया, उसने ऑब्जर्व किया कि जो कैथोड रे है वो क्या है, वो चार्ज पार्टिकल्स है. और जिसको उसने बाद में प्रूव किया कि ये जो चार्ज पार्टिकल्स, ये जो कैथोड्स पे मतलब जो चार्ज है वो नेगेटिव है. और बाद में इसी नेगेटिव चार्ज की वजह से उसने इसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज ऑफ इट्स नेगेटिवली चार्ज. और उस नेगेटिव चार्ज के लिए उसने एक्सपेरिमेंट किया. उस एक्सपेरिमेंट के बारे में आज के लेक्चर में हम उसके बारे में वो स्टडी करेंगे. सो पहले हम बात करेंगे कि तोड़ रहे एक्सपेरिमेंट के बारे में, कि जो रायनगन ने जो एक्सपेरिमेंट किया 1980s के अंदर, ठीक है, फॉर द डिस्कवरीज ऑफ एक्सरेज. सो उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं कि 1890s तक जो साइंटिस्ट थे या जो इंजीनियर थे वो फेमिलियर थे कैथोड रेज से. जो कैथोड रेज का जो कंसेप्ट था उस वक्त के जो साइंटिस्ट और इंजीनियर थे वो इसी कंसेप्ट से, मतलब जो कैथोड रेज थे उसी कंसेप्ट से वो फेमिलियर थे. ठीक है. And these rays were generated from one of the metal plates in evacuated tube across which a large electric potentials had been established. ठीक है. और इसकी जो generations थी उससे भी जो उस वक्त के लोग थे, जो scientists थे या engineer थे, वो aware थे कि मतलब ये कैसे generate होते थे. So normally इसके मतलब जो generation का जो तरीका वो adopt करते थे वो कुछ इस तरह होता था कि एक tube के अंदर एक मेटल प्लेट्स पे मतलब एक ट्यूब होता था और उस ट्यूब के अंदर एक इवैक्यूएटेड ट्यूब होता था. मतलब एक खाली ट्यूब होता था जिसको हम इवैक्यूएटेड ट्यूब कहते हैं. उसी के अंदर ये एक मेटल प्लेट्स को यूज़ करते थे. ठीक है. और उस मेटल प्लेट्स के मतलब ये एक हाई पोटेंशियल डिफरेंस को वो इस्टेब्लिश करते थे और उसी पोटेंशियल डिफरेंस के नतीजे में उसी प्लेट से ये जो कैथोड रेज है ये जनरेट वो होते थे. ठीक है. सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग के दीज रेज वर जनरेटेड फ्रॉम वन ऑफ द मेटल प्लेट्स. ठीक है. और मेटल प्लेट्स में कैसे जनरेट होते थे, इन इवैक्यूएटेड ट्यूब. कि मेटल प्लेट्स को ये रखते थे एक खाली ट्यूब के अंदर. ठीक है. जिसमें ये एक हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस वो उस पर अप्लाई करते थे तो उसके नतीजे में ये मेटल प्लेट से ये जो रेज है ये जनरेट होते थे. ठीक है. और उस वक्त मतलब ये इज्यूम किया गया कि कैथोड रे जो है इट हैज़ समथिंग टू डू विद द एटम्स, कि इसका एटम के साथ मतलब कुछ ताल्लुक है या एटम से उसका कोई मतलब है, कोई रिलेशंस है. इट वाज सरमाइज दैट कैथोड रेज हैड समथिंग टू डू विद द एटम. ठीक है. कि इसका जो कैथोड रेज है कि इसका एटम, चूँकि मेटल प्लेट से ये जनरेट होते थे, मेटल प्लेट्स को जब हाई वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता था इवैक्यूएटेड ट्यूब के अंदर, तो वो जो मेटल प्लेट्स होते थे वो कैथोड रेज को जनरेट करते थे. सो इससे उस वक्त के जो साइंटिस्ट थे बगैर किसी एक्सपेरिमेंट के उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये जो कैथोड रेज है इसका एटम के साथ कोई लिंक्स है या कोई रिलेशंस है. ठीक है. सो इट वॉज नोन दैट कैथोड रेज कुड पेनिट्रेट मैटर्स. ठीक है.
मतलब ये बात उस वक्त भी वाजह थी कि जो कैथोड रेज है वो क्या है, वो मैटर के अंदर पेंट्रेट करती है, ठीक है, एंड वर डिफ्लेक्टेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब हम उसको एक इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं, सो ये क्या है, ये इसी कैथोड रेज को मतलब डिफ्लेक्ट करते हैं, उसका रास्ता मोड़ते हैं। मतलब ये बातें उस वक्त अंडरस्टूड थी कि जो कैथोड रे है ये मैटर्स के अंदर, अगर हम इसको मेटल्स पे सॉरी मैटर्स पे जो मादा है उस पे शाइन करते हैं मटेरियल पे, सो ये क्या है, ये उसके अंदर पेंट्रेट कर जाते हैं, किसी हद तक उसके अंदर पेंट्रेट कर जाते हैं। और अगर हम इसको एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करें, सो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या करते हैं, इसको डिफ्लेक्ट करते हैं, मतलब इसका रास्ता वो मोड़ते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन ऑफ द एक्सरेस, अब रोएनगन ने कैसे इसको ऑब्जर्व किया, ठीक है, जिस तरह हम जानते हैं कि रोएनगन शुरू में जो कैथोड रेस है उनके साथ वो एक्सपेरिमेंट मतलब वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था, ठीक है। सो रोएनगन स्टडीड द इफेक्ट ऑफ द कैथोड रेस पासिंग थ्रू वेरियस मटेरियल्स। मतलब रोएनगन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कैथोड रेस के साथ, वो इसको मुख्तलिफ मटेरियल से उसको पास करवा रहा था, ठीक है। सो अब उसके साथ उसने देखा कि साथ में एक फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन पड़ा हुआ है, तो उसने वो ऑब्जर्व किया कि वो जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो वो फॉस्फोरेसेंट जो स्क्रीन है उस पर कुछ नक्श बनते जा रहे हैं, ठीक है, कि मतलब जो जिस जगह पर वो एक्सपेरिमेंट्स वो कर रहा है उसके साथ ही उसने नोटिस किया कि वहाँ पर एक फास्फोरस करीब में एक फास्फोरस फास्फोरेसन स्क्रीन वो पड़ा है, ठीक है। सो द ग्लो द ट्यूब ग्लोड ड्यूरिंग सम ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो उसी एक्सपेरिमेंट के दौरान उसने देखा कि जब वो ट्यूब ग्लो करता है तो वो जो नी साथ जो फास्फोरेसन जो स्क्रीन पड़ा है उस पर कुछ नक्श पाया, ठीक है। और एट द सेम टाइम ही ऑब्जर्व दैट दीज रेज वर अनइफेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड एंड पेंट्रेटेड मटेरियल मोर देन द कैथोड रेस, ठीक है। और इसके साथ ही उसने क्या किया, ऑब्जर्व किया कि ये जो रेज है ये मटेरियल के अंदर मतलब ज़्यादा पेंट्रेट कर गई एज कम्पेयर टू द कैथोड रेज। मतलब दो चीज़ें उसने नोटिस की एक्सपेरिमेंट के अंदर, एक उसने ये ऑब्जर्व किया कि जो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन नियर बाय पड़ा था उस पर एक एमएच बन गई, ठीक है, और दूसरी ये है कि उसने देखा कि ये जो रेज है ये मटेरियल्स के अंदर जो इसकी पेंट्रेशन है दैट वाज मोर देन द कैथोड रेज, ठीक है, मतलब कैथोड रेज की पेंट्रेशन से इसकी पेंट्रेशन वो ज़्यादा थी, ठीक है। सो यहाँ से उसने डिड्यूस किया, यहाँ से उसने नतीजा किया कि यहाँ पर कि इसी जो एक्सपेरिमेंट है इसमें कैथोड रेज के अलावा भी कोई मतलब अननोन रेज मौजूद है, और इसी अननोन की वजह से उसने इन रेज को जो उसने मतलब यहाँ पर उसको ऑब्जर्व किया उसने इसको नाम दिया एक्स रेज, ठीक है। मतलब इस अननोन नेचर की वजह से उसने इसको नाम दिया एक्स रेज एंड डिड्यूस दैट दे वर प्रोड्यूस बाय द कैथोड रेज बम्बार्डिंग द ग्लास वॉल ऑफ हिज वैक्यूम ट्यूब। और उस वक्त उसने ये नतीजा अर्ज किया कि ये रेज कैसे पैदा हुए, और उसने ये बताया कि जब कैथोड रेज जो है कैथोड रेज जब बम्बार्डिंग के दौरान वो क्या है, वो ग्लास ट्यूब पे पड़ती है वैक्यूम ट्यूब के अंदर, सो उसी से ये जो एक्स रेज है ये जनरेट हो जाते हैं, ठीक है। मतलब रोएनगन जब एक्सपेरिमेंट कर रहा था सो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने कुछ अननोन एक्स रेज को कुछ अननोन रेज को ऑब्जर्व किया, उस अननोन रेज की वजह से एक तो ये है कि फॉस्फोरेसेंस स्क्रीन पे एमएच बन गई, ठीक है, या फोटोग्राफिक प्लेट पे हम कहते हैं कि उस पे एक एमएच बन गई, और दूसरा ये कि ये जो रेज थी उनकी जो पेंट्रेटिंग पावर थी इट वाज मोर देन द कैथोड रेज दैट वर वेल नोन एट दैट टाइम, ठीक है। तो इस अननोन नेचर की वजह से जो रेज मतलब इसने कहा कि मतलब कोई और रेज भी है कैथोड रेज के अलावा जिसकी पेंट्रेटिंग पावर कैथोड रेज से ज़्यादा है, और इसने उसको नाम दिया एक्स रेज का, ठीक है। और ये पैदा कैसे होंगे, तो इसने इसके प्रोडक्शन के बारे में भी बताया कि दे आर बीन प्रोड्यूस बाय द कैथोड रेज बम्बारिंग द ग्लास वॉल ऑफ हिज वैक्यूम ट्यूब। इसने कहा कि जो कैथोड रेज वो यूज़ कर रहा है, ठीक है, और जब वो उसको बम्बार करते हैं अपने जो वैक्यूम ट्यूब है इसके ग्लास वॉल पे,
तो इसी से ये जो एक्सरेज है ये जनरेट होते हैं। ठीक है, सो रंटगन ने जो एक्सरे ट्यूब्स मतलब यूज किया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एक्सरेज, इट वाज समथिंग लाइक द वन यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर। ठीक है, कि वो कुछ इस तरह था जिस तरह आप स्क्रीन में ये देख रहे हैं। ठीक है, इन दिस ट्यूब यू कैन सी दैट के रोंटगन अलाउ कैथोड रेस टू इम्पैक्ट द ग्लास वॉल। यहाँ पर देखें, ये हमारे पास कैथोड है। अब जब हम इसको हाई वोल्टेज इधर से प्रोवाइड करते हैं, सो वी जनरेट द कैथोड रेस। ठीक है, सो द कैथोड रेस व्हेन इम्पैक्ट द ग्लास वॉल ऑफ द ट्यूब, ठीक है, सो इट प्रोड्यूसेस द एक्स रेस। ठीक है, सो मतलब कि ये जो कैथोड रेस है, जब ये ग्लास वॉल के साथ इम्पैक्ट करते हैं, ठीक है, या इस पे पड़ते हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इम्पैक्शन वी हैव द एक्स रेज। ठीक है, एंड ही यूज एक्स रेज टू एमेज द बोन ऑफ ए हैंड्स ऑन ए फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन। ठीक है, उसी मतलब उस वक्त जो उसने एक्स रेज को जनरेट किया, उसी जनरेशन जनरेटेड एक्स रेज को उसने यूटिलाइज करके अपने हैंड्स की जो इमेज है वो फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे वो बनाए। एंड टाइपिकल इमेज यू कैन सी इट हियर। मतलब यहाँ पर उसने थोड़ा सा इसको मतलब जो बुक वाले हैं उन्होंने उसका जो टाइपिकल स्ट्रक्चर है वो बना के यहाँ पर ये शो किया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा दोबारा वो कर रहे हैं कि मतलब वो थोड़ा सा मिलता जुलता हमारे पास स्केच है कि दैट वाज बीन यूटिलाइज बाय द रोंटगन एट दैट टाइम। कि ये हमारे पास सेटअप है कि हम कैथोड रेस को जनरेट करते हैं, कि हाउ द कैथोड रेस बीन प्रोड्यूसेस, के वी अप्लाइड हाई वोल्टेज अक्रॉस द कैथोड एंड एनोड। ठीक है, और उससे हम क्या करते हैं, इस हाई वोल्टेज से हम कैथोड रेस जनरेट करते हैं, और कैथोड रेस को जब हम फॉल करते हैं जो इवैक्यूएटेड ट्यूब है, ठीक है, या वैक्यूम ट्यूब है, उसके ग्लास वॉल पे जब हम कैथोड रेस को फॉल करते हैं, सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट वी हैव द एक्स रेस। और इसी एक्स रेस को रंटगन ने यूटिलाइज करके अपनी हैंड की जो इमेज है वो बनाई फॉस्फोरेसेंट स्क्रीन पे। ठीक है, नाउ लेट टॉक अबाउट सम ऑफ द ऑपरेटर्स ऑफ द थॉमसन कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कि हम कहते हैं कि थॉमसन ने भी एक्सपेरिमेंट किए कैथोड रेस पे, मतलब रोंटगन अकेले नहीं था जिसने कैथोड रेस पे एक्सपेरिमेंट किए। देयर वर सो मेनी अदर पीपल, सो मेनी अदर साइंटिस्ट हु वर ट्राइंग टू डू द एक्सपेरिमेंट विद द कैथोड रेस। सो रोंटगन के साथ साथ जो थॉमसन था, जे जे थॉमसन, वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था एक्सरे जो कैथोड रेस है उसके साथ। और उसने जो अपरेटस यूज किए, इट वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम द वन दैट वाज बीन यूटिलाइज्ड बाय, मतलब इसका जो जे जे थॉमसन का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप था दैट वाज डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज्ड बाय रोंटगन। ठीक है, अब ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वी हैव आई मीन इनसाइड द सेटअप वी हैव अ कैथोड एंड द एनोड। ठीक है, एंड अक्रॉस दिस एनोड एंड द कैथोड वी अप्लाई हाई वोल्टेज। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास मतलब दो बड़े बड़े प्लेट्स में जिसमें हम बीम को नैरो कर रहे हैं। ठीक है, और इस बीम को हम पास कर रहे हैं परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। अब ये जो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज बीन प्रोवाइडेड, अब यहाँ पर देख सकते हैं कि दो हमारे पास यहाँ पर ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है दैट बेसिकली प्रोवाइडेड मतलब एन इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये जो मैग्नेट है दैट प्रोवाइड अ परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये वाली ये डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स है एंड दीज नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट। ठीक है, एंड हेयर वी हैव द फ्लोरेसेंट स्क्रीन, ये हमारे पास फ्लोरेसेंट स्क्रीन है। सो थॉमसन व्हाट एक्चुअली डिड बाय थॉमसन, थॉमसन यूज इन इवैक्यूएटेड कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, थॉमसन ने इवैक्यूएटेड कैथोड रे ट्यूब को यूटिलाइज किया किस चीज के लिए, किस पर्पस के लिए, टू शो दैट कैथोड रेज वर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये साबित करने के लिए कि जो कैथोड रेज है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये वो कैसे साबित कर रहा था, बाय डिफ्लेक्टिंग देम एन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि वो चाहता था कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उसको डिफ्लेक्ट करके ये साबित करना चाहता था कि इस पे जो है वो क्या है, कैथोड रेस पे नेगेटिव कैथोड रेस जो है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने क्या किया, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये पास करा था कैथोड रेस को। ठीक है, तो वो जो एक्सपेरिमेंट था उसने जब इसको देखा
कि कैथोड रेस जब यहाँ पर पास हो रही है, सो ही ऑब्जर्व दैट कैथोड रेस, जो उस वक्त जो मतलब इसको कैथोड रेस कहा करते थे, तो उसने देखा कि वो जो पास करे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सो इट इज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट्स, कि वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मुड़ रही है, ठीक है, मतलब नेगेटिव प्लेट से दूर जा रही है और पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो मुड़ रही है. सो फ्रॉम दिस ही डिड्यूस दैट के जो रेज है या जो कैथोड रेज है, इट हैज नेगेटिव चार्ज और इट इज बेसिकली नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. और इस पे फिर मजीद वो एक्सपेरिमेंट की गए और इससे से साबित किया कि ये मतलब क्या है कि दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. फिर इलेक्ट्रॉन्स की चार्ज पे एक्सपेरिमेंट हुए, उसके चार्ज को मैयर किया गया, ठीक है. लेन दिस वॉज द स्टार्टिंग एक्सपेरिमेंट, और जो एक्सपेरिमेंट का पर्पस था कि टू फाइंड आउट दैट द कैथोड रेज हैज द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल. तो मतलब हम कह सकते हैं कि इट वॉज एन अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर आर टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द कैथोड रेज. कि जो एक्सपेरिमेंट था थॉमसन का, दैट वॉज बार बेसिकली टू फाइंड आउट आर टू नो अबाउट द नेचर ऑफ द कैथोड रेज, ठीक है. और इससे हमारे पास जो हुई डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो वजूद में आए, ठीक है. सो थॉमसन एक्सपेरिमेंट्स में है क्या था कि थॉमसन मेथड्स ऑफ मेजरिंग द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज टू मास रेशियो वाज टू सेंड इलेक्ट्रॉन थ्रू अ रीजंस कंटेनिंग अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड. अब थॉमसन ने क्या किया कि थॉमसन ने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया, सो ही फाउंड दैट के मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब थॉमसन की एक्सपेरिमेंट से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई, ठीक है. मतलब उसने जो एक्सपेरिमेंट किया एक एक बार नहीं, उसने बार बार इसको रिपीट किया और वही रिजल्ट उसके पास आए कि जो मतलब नेगेटिवली चार्ज वो है रेज है, दे आर बीन डिफ्लेक्टेड टूवर्ड वो जो रेज है वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ वो मुड़ रहे हैं. तो इससे उसने मुख्तलिफ नतज जहाज किए कि ये जो रेज है ये क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से उसने उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन. अब अगला स्टेप था उसकी चार्ज टू मास रेशियो का, कि अगर लेट्स सपोज ये पार्टिकल्स है और चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है, कि इस पे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है. तो अगला स्टेप इसने ये किया कि एक एक्सपेरिमेंट उसने डिज़ाइन किया टू फाइंड आउट चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉन और दैट ऑफ द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है. सो उसके लिए उसने ये किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन है उसको इसने एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास किया, ठीक है, मतलब एक रीजन के अंदर, जिस तरह आप इस फिगर में देख सकते हैं कि उसने इलेक्ट्रॉन को एक रीजन के अंदर पास किया जिसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद था, ठीक है. जिस तरह आप ये देख सकते हैं कि ये एक रीजन है हमारे पास कि जिसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है. तो थॉमसन ने ये जानने के लिए कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशियो क्या है, उस इलेक्ट्रॉन बीम को उसने एक परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से उसको पास किया, मतलब एक ऐसे रीजन से उसको पास किया जिसमें परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड मौजूद थे, मतलब दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर वो मौजूद थे. एंड द सेटअप वाज समहाउ द वन यू कैन सी हियर इन दिस पर्टिकुलर फिगर, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है, कि फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या थी, इट वॉज डाउनवर्ड, ठीक है, और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन थी दैट वाज एंड टू द पेपर या एंड टू द स्क्रीन, ठीक है, ये दोनों फील्ड की डायरेक्शन थी. नाउ हाउ ही कैलकुलेट द ई और एम रेशो, ठीक है, सो ही फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन्स मूविंग थ्रू द इलेक्ट्रिक फील्ड इज एक्सेलरेटेड बाय द फोर्स, ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड के मतलब उसमें हम एक्सेलरेट करते हैं तो उस पर एक फोर्स रिएक्ट करती है, एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू बाय न्यूटन सेकेंड लॉ इज इक्वल टू एम ए, एंड दैट फोर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यों ई, ठीक है, कि फोर्स इलेक्ट्रॉन जब मूव करती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उस पर फोर्स रिएक्ट करती है, दैट फोर्स इज द इलेक्ट्रिक फोर्स दैट इज इक्वल टू क्यों ई, ठीक है. एंड इफ यू कंसिडर मास फॉर द इलेक्ट्रॉन्स एंड वी से दैट इट हैज सम एक्सेलरेशन, सो दैट बाय न्यूटन सेकेंड लॉ दैट फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल टू एम ए, ठीक है. सो इलेक्ट्रॉन एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, यू नो दैट वी से दैट वेन एवर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन साइड द फील्ड सो दे आर बीन डिफ्लेक्टेड बाय द फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉन उसको डिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है. सो द डिफ्लेक्शन एंगल कैन बी फाइंड बाय टेंजेंट थीटा एंड टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्पेसिकली द रेशियो ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ इलास्टिसिटी
true the horizontal component of velocity. I mean you can observe here from this particular figure. ठीक है, हम कहते हैं इसकी velocity, electron certain velocity के साथ move कर रहा है, तो it will have its velocity will have the x component, along with that it will have the y component. ठीक है, so tangent theta is equal to vy over vx. ठीक है, अब जो vy है हम कहते हैं कि that is equal to ayt, that is y component of the accelerations time multiplied by the time and divided by vx is basically the initial velocity, that is v naught. ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करते हैं. सो व्हेन यू पुट द वैल्यूज, सो दैट इज इक्वल टू क्यू ई एल डिवाइडेड बाय एम वी नॉट स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर जब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू दिस रिलेशंस. ठीक है, सो द मैग्नेटिक फील्ड डिप्लैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, डिफ्लैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स, कि वो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इलेक्ट्रॉन को अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स वो क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट करते हैं. दैट इज वी हैव द लॉरेंट फोर्स दैट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस द मैग्नेटिक फोर्स दैट इज इक्वल टू जीरो. सो व्हाट इट मीन, इट मीन दैट द मैग्नेटिक फील्ड इज एडजस्टेड अंटिल द नेट फोर्स इज जीरो. मतलब इसका मतलब है कि हम यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको एडजस्ट करते रहते हैं, यहाँ तक कि हम कहते हैं कि जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर वो हो जाए. तो जब ये ज़ीरो के बराबर हो जाए, नेट फोर्स ज़ीरो के बराबर हो जाए, ठीक है, तो ये वाला रिलेशन को हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके जाएंगे, तो हमारे पास क्यों विल बी कैंसिल विद क्यों एंड वी विल हैव द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट शुड बी इक्वल टू माइनस वी क्रॉस पी. ठीक है, सो फ्रॉम दैट अगर हम इसको मैग्नीट्यूड में ले लें, सो वी कैन फाइंड फ्रॉम दिस रिलेशन वी कैन फाइंड the velocity, ठीक है, that is we can find the velocity of the electron, that is equal to magnitude of velocity of the electron, that is equal to magnitude of the electric field divided by the magnetic field, that we can say equal to the initial velocity of the electron. ठीक है, so charge to mass ratio that should be equal to यहाँ से हम देखते हैं कि charge to mass ratio will be equal to q over m. ठीक है, अब यहाँ पर आप देखते हैं के इसी रिलेशंस में, यहाँ पर देखिए, हियर वी हैव टेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू क्यू ई ओवर एम मल्टीप्लाई बाय एल ओवर वी नॉट स्क्वायर. अब यहाँ पर देखिए इसी रिलेशन से, अब यहाँ पर देखिए इसी रिलेशंस के अंदर हमारे पास चार्ज भी है, मास भी है. ठीक है, सो चार्ज टू मास रेशो हम इसी रिलेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं कि चार्ज और मास को अपनी जगह पर छोड़े. अब ये वाले जो बाकी टर्म्स है, ई ए एल है, वी नॉट स्क्वायर है, इसको हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे लेके आते हैं. ठीक है, सो वी विल हैव क्यू ओवर एम इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, इधर आ जाएगा, सो वी विल हैव वी नॉट स्क्वायर टेंजेंट थीटा. ठीक है, और ई एल डिवाइडेड बाय ई एल, ये इधर नीचे आ जाएंगे, सो वी विल हैव वी नॉट स्क्वायर टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय ई एल. ठीक है, थोड़ा बहुत हम इसको अगर मतलब यहाँ पर वैल्यू पुट करें के वी नॉट जो है वी नॉट इज इक्वल टू यू और बी, इसकी वैल्यू पुट करें, वी नॉट की जगह वैल्यू हम ये वैल्यू पुट करते हैं, सो वी विल गेट चार्ज टू मास रेशो दैट शुड बी इक्वल टू ई टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर एल. तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज टू मास रेशो होगी. मतलब अगर यहाँ पर हम क्या करें, इलेक्ट्रॉन की मास पुट करें, ठीक है, और यहाँ पर इसकी चार्ज पुट करें, सो यू विल गेट द वैल्यूज. या हम अब यहाँ पर करें, जो हमारे पास जो सिचुएशंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और एंगल को पुट करें, सिमिलरली वी पुट द वैल्यूज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड एंड फॉर द लेंथ एलिमेंट. ठीक है, जो लेंथ एलिमेंट है यहाँ पर एल, मतलब जो लेंथ है यहाँ पर दैट इज गिवन बाय एल, ये वैल्यूज हम पुट करें, सो यू विल गेट चार्ज टू मास रेशो ऑफ द इलेक्ट्रॉन. तो इससे हम इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज टू मास रेशो है, वी कैन ईजिली कैलकुलेट दैट. ठीक है, फिर बात आती है डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज. सो फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन चार्ज एन एक्सपेरिमेंट वॉज डन, पॉपुलर एक्सपेरिमेंट एंड दैट इज बीन नोन एज मैलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट. ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट ये परफॉर्म की गई बेसिकली टू नो अबाउट द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज को मेजर किया जा सके कि इलेक्ट्रॉन की चार्ज वो कितनी है.
So at the experimental setup that was being utilized at that time is the one that you can see it here. तो ये हमारे पास वो बेसिक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है. थोड़ा सा इसको हम डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे कि हमारे पास क्या क्या है. ठीक है, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि वी हैव डीसी पावर सप्लाई. ठीक है, दैट इज बीन यूज्ड टू सप्लाई द डीसी पावर टू दीज प्लेट्स. ठीक है, यहाँ पर एक प्लेट्स को पॉजिटिव दूसरे को हम नेगेटिव प्रोवाइड करते हैं. दिस इज द एटोमाइजर टू प्रोड्यूस ऑयल ड्रॉप. ठीक है, इसे ये एटोमाइजर है जिसमें हम ऑयल ड्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं और उसको इस मतलब सुराख से हम उसको पास करते हैं. ठीक है, यहाँ पर हम मतलब क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसके साथ ही हम मतलब जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका इफेक्ट भी हम इस पर ऑब्जर्व करें. मतलब हम जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसका इफेक्ट इस ऑयल ड्रॉप पे ऑब्जर्व करते हैं और जो ग्रेविटेशन फोर्स है उसका इफेक्ट हम वो उस पर ऑब्जर्व करते हैं. एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन वी हेयर नोटिस विद द हेल्प ऑफ द माइक्रोस्कोप इज बीन प्लेस हेयर. अब इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हम कैसे करते हैं कि यूज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड ग्रेविटी टू सस्पेंड ए चार्ज ऑयल ड्रॉप. ठीक है, कि हम एक जो चार्ज ऑयल ड्रॉप है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड और जो ग्रेविटी है उसके थ्रू हम क्या करते हैं, उसको सस्पेंड करते हैं. दैट इज along the y axis we supply along the y axis हम क्या करते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्सेस को यूज करते हैं. दैट इज वी यूटिलाइज द इलेक्ट्रिक फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और जो ग्रेविटी है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में उसको अप्लाई करते हैं और उसका जो रीजन है टू सस्पेंड द चार्ज ऑयल ड्रॉप. ठीक है, कि ऑयल ड्रॉप को जो चार्ज ऑयल ड्रॉप है उसको सस्पेंड करें. So mass is determined from the Stokes relationship of the terminal velocity to the radius and density. तो मतलब हम कहते हैं कि we assume that के जो oil drop है वो हमारे पास spherical in shape है, तो उसके लिए जो Stokes relation है और उस Stokes relations को हम utilize करके वो जो particles है उसकी mass को हम calculate करते हैं. We say that mass is given by 4/3 pi r cube rho. ठीक है, so this is the mass of that particle. If we say that that's ye jo oil drop hai hum kehte hain ke spherical in shape, so iski jo hamare paas jo mass hai that will be given by the Stokes relationship. Magnitude of the charge on the oil drop will be given by q is equal to mgd divided by v. ye hamare paas magnitude hai the charge, magnitude of the charge on the oil drop. सिमिलरली मतलब ये हमारे पास क्या है, ये मैग्नीट्यूड आए. ठीक है, और इसी मैग्नीट्यूड के लिए मतलब जिस तरह हमने सेटअप को डिस्क्राइब किया उसी सेटअप से सारे जो पैरामीटर्स है उसी सेटअप से एक्सपेरिमेंट किए गए और सारे के सारे जो पैरामीटर है वो उसी से ले गए. मतलब ये एनालाइज करके पहले वो जो मतलब था जो पार्टिकल था दैट वाज जो ऑयल ड्रॉप था उसको सस्पेंड किया गया बाय द एप्लीकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, दोनों को अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई करके वो क्या किया कि ऑयल ड्रॉप को सस्पेंड किया गया. फिर जो पार्टिकल का जो मास था दैट वाज बीन डिटरमाइंड बाय द स्टोक रिलेशनशिप एंड दिस वन. ठीक है, सो फिर जो हमारे पास मतलब जो वैल्यू आई है मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप इट इज गिवन बाय क्यू इज इक्वल टू एम जी डी ओवर वी. ठीक है, ये रिलेशन आए. ठीक है, मतलब वैल्यू यहाँ पर इसी इक्वेशंस के अंदर वो पुट की गई. सो यू नो दैट हाउ टू कैलकुलेट दिस. ठीक है, सो इसी एक्सपेरिमेंट्स को बार बार दोहराया गया. ठीक है, थाउजेंड ऑफ एक्सपेरिमेंट शो दैट देयर इज अ बेसिक क्वांटिटाइज इलेक्ट्रॉन चार्ज और इसी क्वांटिटाइज इलेक्ट्रॉन चार्ज की जो वैल्यू है दैट इज गिवन बाय 1.602 एंड 10 रेज़ टू पावर -19 कूलम. मतलब यहाँ पर जो वैल्यू पुटअप की गई ठीक है, सो उसी वैल्यू से मतलब यहाँ पर बार बार थाउजेंड्स ऑफ टाइम इस एक्सपेरिमेंट को मतलब दोहराया गया और मतलब ये फाइंड हुआ कि उसे एक ही वैल्यू आती है दैट इज इक्वल टू 1.602 एंड 10 रेज़ टू पावर -19 एंड दैट वाज बीन कंसीडर्ड एज द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. ठीक है, कि ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन की चार्ज है. दैट इज हाउ आई मीन द मेलिकन एक्सपेरिमेंट्स प्रूव दैट इट्स बीन डन टू फाइंड द चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन. फिर एक आइडिया है अबाउट द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आई मीन दैट समहाउ रिलेटेड टू द न्यूक्लियर फिजिक्स. बट यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि करंट जो थ्योरीज है अकॉर्डिंग टू दैट फ्रैक्शन के चार्जेस जो है वो हमारे पास क्या है, क्वांटाइज है. ठीक है,
क्वांटाइज इन यूनिट्स ऑफ ई बाई थ्री एंड टू ई बाई थ्री, ठीक है, क्योंकि चार्जेस हमारे पास है फ्रैक्शंस में, क्या है क्वांटाइज है, इन दैट फ्रैक्शन इज ई बाई थ्री, दैट इज वन बाय थ्री ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड टू बाई ई टू बाय थ्री टाइम ऑफ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड दैट वी से इज द चार्ज ऑफ द कॉर्क्स। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉर्क्स जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स है या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है मैटर की, उसकी चार्ज है, मतलब जो डाउन कॉर्क्स हम कहते हैं उसकी जो चार्ज है माइनस वन बाय थ्री, और जो अप कॉर्क है उसकी जो चार्ज है टू बाय थ्री। इसे मतलब है टाइम द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। बट बी रिमेंबर्स कॉर्क्स आर नॉट डायरेक्टली ऑब्जर्व, मतलब एक्सपेरिमेंट ही हम डायरेक्टली उसको ऑब्जर्व नहीं किए, ठीक है। सो द चार्ज ऑफ द पार्टिकल हैव बीन डायरेक्टली ऑब्जर्व आर क्वांटाइज इन यूनिट ऑफ ई, दैट इज चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सो द मेयर एटॉमिक वेट्स आर नॉट कंटिन्यूस, मेयर एटॉमिक वेट हमारे पास जो है वो क्या है, वो कंटिन्यूस नहीं है, दे हैव ओनली डिस्क्रीट वैल्यूज, ठीक है, विच आर क्लोज टू द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए यूनिट मास। So that's all we have for this lecture. Thanks for watching. See you next lecture very soon. Till then, bye bye.